स्वागत है दोस्तों आज के एक और न्यू प्रोजेक्ट पे। ये प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर बिहार का, जहाँ पे हमने दो डक्ट कूलर एक स्कूल पे इंस्टॉल किए हैं और उस स्कूल में छोटे बच्चों के लिए हॉस्टल भी है। तो हमने वहाँ पे दो डक्ट कूलर इंस्टॉल किए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी एक प्रोजेक्ट का फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमने डक्ट कूलर को इंस्टॉल किया है, कैसे हमने डक्टिंग लाइन दी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमने डक्ट कूलर और डक्टिंग को प्लांट किया है। आए हैं मुजफ्फरपुर में यहाँ कूलर का काम करने के लिए। ये स्कूल है, पाठशाला स्कूल है, जिसमें हम काम करने के लिए देख रहे हैं। अंदर चल के आपको कूलर दिखा रहे हैं कैसा है। अब हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे बच्चे रहते हैं वहाँ पे जो डक्टिंग इंस्टॉल की हुई है वो कैसे इंस्टॉल की हुई है। ये यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और एंट्री लेते ही ये सबसे फर्स्ट डक्टिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। एक डक्टिंग ड्रिल हमें जस्ट गेट के पास ही मिल जाती है और दूसरी हम इसी के अंदर दे रखे हैं दरवाजे से अंदर, और एक ही ग्रिल से ये सारा का सारा ये जो रूम है वो पूरा कवर हो जाता है। फिर इसके बाद हम दिखाते हैं आपको और भी जो हमारी ग्रिल्स है और कितनी लंबी डक्टिंग गई हुई है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्कूल के साथ एक हॉस्टल भी है और काफ़ी सारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा स्पेस है जिसके लिए हमें काफ़ी बड़ी डक्टिंग भी देनी पड़ी। पहले कैसा था? पहले गरम। आपका फिर? आप कैसा है? अब ठंडा रहता है बहुत काफी। हाँ। बंद करना पड़ता है कि चालू रहता है? चालू रहता है, आधा घंटा चालू, ठंडा हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर ये हमारी सिंगल लाइन डक्टिंग गई हुई है, एक यहाँ से एकदम सीधे गई हुई है, और साइड बाय साइड हम ग्रिल्स निकालते रहे हैं ताकि एयर फ्लो सभी जगह प्रॉपर तरीके से पहुँच सके। और ये काफ़ी लंबी डक्टिंग गई हुई है वैसे, क्योंकि काफ़ी लंबा एरिया है, काफ़ी लंबी स्कूल है और स्कूल प्लस हॉस्टल दोनों ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाले जो डक्टिंग देख रहे हैं आप, फर्स्ट वाले कूलर का है, और वो सेकंड वाले कूलर का है। और ग्रिल्स आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी हमने लगा के रखी है प्रॉपर तरीके से एयर फ्लो सभी जगह जाने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारे कूलर, और अभी एक तरफ की जो कूलिंग पैड है वो हमने खोल रखी है, और ये है हमारा दूसरा कूलर, और ये पहला कूलर, इसकी भी हमने एक तरफ का कूलिंग पैड खोल के रखा है ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि कैसे ये चल रहा है। और अब ये ऑन है, पानी देख रहे हैं कैसा गिर रहा है इसका पानी, और ये आप डक्टिंग देख सकते हैं, जो डक्टिंग ग्रिल्स आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी हमने लगा के रखी है ताकि प्रॉपर तरीके से जो इसका एयर फ्लो है सभी जगह पहुँच सके। और काफ़ी सारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, स्कूल और हॉस्टल दोनों ही है ये जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये पूरा का पूरा एरिया कवर करने के लिए हमने दो कूलर में पूरा का पूरा एरिया हमने कवर कर रखा है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोजेक्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको डक्ट कूलर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे चैनल आईस्पायर अप्लाइंसेस में डक्ट कूलर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल में आपको डक्ट कूलर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के वीडियो मिल जाएंगे, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आईस्पायर, रिश्ता एक विश्वास का।